बीकानेर से खबर है। बीकानेर में युवती द्वारा दूसरे धर्म के युवक के साथ शादी करने के मामले को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर सर्व समाज ने विरोध जाहिर किया। इस दरमियान करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना समेत करनी सेना के पदाधिकारी और विभिन्न समाजों से जुड़े लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शन करने आए लोगों की मांग थी कि युवक के पिता द्वारा युवती के परिवार को ब्लैकमेल किया जा रहा है और इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, साथ ही परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी उग्र भी हुए तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। बाद में प्रतिनिधिमंडल की कलेक्टर एसपी से वार्ता हुई और इसके बाद पूरा मामला शांत हुआ। हमने इकट्ठा होकर ये दिखाया कि हम आपके साथ हैं, जो भी कानूनन कार्रवाई होगी हम उसके साथ खड़े। प्रशासन उसमें हमें सहमति दी है, प्रशासन ने ये बकायदा ये बोला है कि हम जैसे भी आपकी मदद कर सकते हैं हम करें। लोगों की डिमांड थी कि दादा ने जो एक अनाउंसमेंट किया लड़की के दादा ने कि उनके साथ जाती हुई है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। लड़की के दादा खुद अभी एसपी साहब से कलेक्टर साहब से बात करके आए, वो खुद संतुष्ट है और इन्होंने बोला है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई होगी तो मुझे कोई दिक्कत। जो फैक्ट्स थे केस के वो उनको बता दिए गए, जो लड़की के दादाजी थे वो भी मौजूद थे, उनको भी सारे फैक्ट्स बता दिए गए थे। उनका कोई एक इशू था कि जो एक व्यक्ति है मुन्ना नाम से, वो उनके विरुद्ध काफ़ी टाइम से ब्लैकमेलिंग है, इस तरह के कोई इशू उन्होंने बताए, उसके संबंध में वो शिकायत देना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कह दिया कि कोई उनकी शिकायत है किसी के प्रति वो अपनी शिकायत दे सकते हैं, उस पर नियम अनुसार जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई हो जाएगी, जिससे सारा जो डेलीगेशन था वो संतुष्ट था। लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है, लड़की बालिग है, लड़का बालिग है, दोनों ने कोर्ट में विवाह किया है और नया शहर थाने में पेश होकर के दोनों ने अपने बयान भी दिए हैं और लड़की ने नया शहर थाने में शादी के डॉक्यूमेंट पेश किए हैं कोर्ट में शादी के। एज पर रिकॉर्ड दोनों बालिग हैं और अपनी सहमति से और बिना किसी प्रेशर के दोनों ने शादी की है और ये हक उनको भारतीय संविधान देता है, इसमें किसी प्रकार का कोई लव जिहाद जैसी घटना